हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि अफर्मेशंस क्या होती हैं और वो किस तरह से हमारे लिए वर्क करती हैं। मेरे से आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि अफर्मेशंस क्या हैं, हम अफर्मेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अफर्मेशंस हमारे लिए कैसे वर्क करेंगी। आप मुझसे पूछते हैं कि अफर्मेशंस क्या हैं। अफर्मेशंस हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाले सेंटेंस हैं, जिनको हम पूरे विश्वास, पूरे फेथ के साथ जब लगातार बोलते हैं तो वो हमारे लिए जाने अनजाने कब काम करने लग जाते हैं वो हमें भी नहीं पता। अफर्मेशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब रोज़ बोलने लगते हैं तो हमारे जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। अफर्मेशंस हमारे को हमारे गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ये हमारी हर चीज़ को, हमारी हर स्थिति को बदलने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं हैं और हम परेशान हैं कि ओ हो, मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, तो हमारी परेशानी और बढ़ती जाएगी। अगर हम सोचेंगे, हम उसको अफर्मेशंस को हमें हमेशा पॉजिटिव वे में करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरे लोन्स ख़त्म हो जाएं, हमें बोलना है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरे पास पैसा कहीं से भी आता है, आई एम मनी मैग्नेट। हमें जो भी बोलना है वो प्रेजेंट टेंस में बोलना है। इससे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हमारी हेल्थ में, हमारी हैप्पीनेस में, हमारे फोकस ऑफ माइंड में, हर चीज़ में, हम हमारी अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी में, हर चीज़ में हम बदलाव ला सकते हैं। हमारी कोई भी सिचुएशन होने दो, हम अपनी हर सिचुएशन को एफर्मेशन से 0 से 100 तक पहुंचा सकते हैं। आपको एफर्मेशंस जो करनी है वो आपकी भाषा के ऊपर डिपेंड कर नहीं करता कि आप किस भाषा में कर रहे हो, आप इंग्लिश में करो कि आप हिंदी में करो, नो। जिस भी भाषा में आप नॉर्मल बात करते हो, डे टू डे लाइफ में आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, आप उस लैंग्वेज में अपनी एफर्मेशंस बोलो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साउथ इंडियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप अपनी एफर्मेशंस को अपने वर्ड्स में प्रेजेंट टेंस में करके बोलो, वो आपके लिए वर्क करेगी। आपने एफर्मेशंस को हमेशा मैं हूँ, आई एम में यूज़ करना है। लाइक आई एम मनी मैग्नेट, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आई हैव अ गुड जॉब, आई एम वर्किंग वेरी परफेक्टली इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, आई एम हैप्पी इन माई एटमोसफेयर। और जब आप ये एफर्मेशंस सुबह उठते ही बोलते हो तो आपका मन उस चीज़ को पूरे दिन के मानने के लिए तैयार हो जाता है कि पूरा दिन वो हैप्पी थॉट्स, वो गुड थॉट्स आपके मन में घूमती हैं। और जब आपने पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को बोले होते हैं, वो आपके सामने, जैसे पूरा दिन आपका माइंड आपके सामने पिक्चर की तरह लेकर आता है। पहले ज़माने में हमारे घर के लोग, कई बार हम लोग ही बोलते हैं, अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, उसका क्या मतलब होता है? तो ये मतलब नहीं होता कि किसी का मुंह बुरा है या किसी का मुंह अच्छा है, मतलब उसको देख के हमारे माइंड में क्या थॉट्स आए। अगर हमने किसी को देख के अच्छे थॉट्स आए, हम खुश हुए, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, हम पूरा दिन खुश रहेंगे, हमको एनर्जी मिलेगी। अगर हम किसी को देख के चिढ़ गए सुबह सुबह, उसके ऊपर हमें गुस्सा आया, तो वो माइंड सुबह सुबह ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरा आज का दिन तो खराब जाएगा, अब मैंने इसको देख लिया। वो उसकी शक्ल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके माइंड में है कि आपके माइंड ने वो चीज़ एक्सेप्ट की कि मैं आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, और आपने वो मान लिया। तो आपने सुबह उठ के जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो देखो, आप कोई अच्छा सा वॉलपेपर बना लो, आप फ़ोन को मत उठाओ सुबह उठ के, आँखें बंद करके आप जिसको प्यार करते हो, आप भगवान को या किसी को भी, जिसको जो आपको देखने में अच्छा लगता है उसको देखो, ताकि आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव जाए। जब हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारा माइंड क्या कह रहा है कि वो फ्यूचर में होगा।
आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि सब कुछ फ्यूचर में होगा, और वो फ्यूचर का टाइम क्या है, 1 मिनट, 10 मिनट या 10 साल, आपको नहीं पता। तो इसलिए आपने अपने माइंड को फ्यूचर का टेंस नहीं देना, आपने बोलना है मेरे साथ सब अच्छा है, आई एम ऑल राइट, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, इस तरह से आपने ये सब बोलना है। आप अपनी एफर्मेशंस को लिख सकते हो, और जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड उस समय जो हम लिख रहे होते हैं उसको कैच कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड। कई बार आप अच्छा नहीं पढ़ते लेकिन आप अपने को बोल रहे हो मैं टॉपर हूँ, तो आपका माइंड एक बार आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेगा, अरे नहीं तू टॉपर नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप लगातार बोलना शुरू करो मैं टॉपर हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मैं हमेशा सब कुछ याद कर लेता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, कि आपके दिमाग को वो सोचने का, आपको कुछ जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हो आप। और कई बार आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल आप परेशान हो, उस समय आप अपने आप को बोल रहे हो मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो आपका माइंड आपको क्या बोलेगा, पैसा नहीं है तेरे पास और तू बोल रहा है कि मैं अमीर हूँ। तो आपको वो नहीं सोचना, आपको ये बोलो कि मैं अमीर बनने के रास्ते पे हूँ, मैं शुरू कर चुका हूँ, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका हूँ, मैं स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है, मैं अमीर हूँ। तो आपका दिमाग उस चीज़ को मानेगा। और जब आप पूरे फेथ से एफर्मेशंस बोलते हो तो ये हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए। तो आज से आप फेथ से एफर्मेशंस बोलिए। अभी मैं कुछ एफर्मेशंस बोलूँगी और आप वो साथ साथ मेरे एफर्मेशंस बोलना, और हम लोग मिल के अपनी हर चीज़ को पूरा करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, I am rich. I am money magnet. My mind is in peace. I am feeling joyful. I deserve to feel happy. I am worthy of love. I am a happy and joyful person. My mind is in peace. I am powerful money magnet. I am a love magnet. Money comes to me easily in expected and unexpected ways.